वित्तीय प्रबंधन में आज कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्थायी पूंजी के निर्धारण के पश्चात कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक कोषों का निर्धारण किया जाता है। कार्यशील पूंजी शब्द दो अर्थों को मिलाकर बना है। एक अर्थ में इससे आशय कुल चालू संपत्तियां टोटल करंट एसेट्स है, जबकि दूसरे अर्थ में इससे आशय चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिक से लिया जाता है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, चालू संपत्तियों में नगद राशि, प्राप्य राशियों जैसे कि देनदार, प्राप्य पत्र, स्टॉक इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। चालू संपत्तियों में लगाई गई राशि विभिन्न व्यवसाय में अलग अलग होती है। यह राशि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति, आकार, उत्पादन चक्र, अवधि, विक्रय की तीव्रता, शाख नीति, स्टॉक की मात्रा, मौसमी परिवर्तन, विकास की दर आदि शामिल है। कार्यशील पूंजी स्थायी अथवा परिवर्तनशील हो सकती है। स्थायी कार्यशील पूंजी से आशय उस न्यूनतम राशि से है जो कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल, प्राप्य राशियों और रोकड़ शेष के रूप में के लिए सारे वर्ष निरंतर रूप से आवश्यक है। स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक राशि मुख्य रूप से उत्पाद चक्र प्रोडक्शन साइकिल के अवधि पर निर्भर करती है। यह चक्कर कच्चे माल की क्रय से आरंभ होता है और इसके पश्चात श्रम और अन्य व्यय करके कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। निर्मित माल का विक्रय होने पर यह देनदारों में परिवर्तन हो जाता है। अन्य में देनदारों से प्राप्त हो जाने के बाद यह फिर से फर्म के पास नगद शेष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्पादन चक्र की लंबाई अर्थात कच्चे माल के क्रय से लेकर देनदारों से रोकड़ प्राप्त होने तक की अवधि स्थायी कार्यशील पूंजी की मात्रा अथवा आवश्यकता निर्धारण करेगी। जितनी भी इस चक्र की लंबाई अधिक होगी उतनी ही स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी। स्थायी कार्यशील पूंजी से जितनी भी अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है उसे परिवर्तनशील फ्लैक्चुएटिंग कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसमें व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर में परिवर्तन के साथ ही समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जैसे व्यस्त मौसम, पीक सीजन में अधिक बिक्री के कारण स्टॉक और देनदारों में अधिक कोष फंसे होते हैं, जिसके कारण अधिक मात्रा में परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। कुल कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान निम्नलिखित के लिए कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर एक, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के लिए। दूसरा, प्राप्त राशियों रिसीवेबल के लिए। तीसरा, दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए। और चौथा, आकस्मिकताओं के लिए। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के लिए, फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक, प्रत्येक औद्योगिक संस्था को एक न्यूनतम मात्रा में कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल का स्टॉक रखना पड़ता है। स्टॉक की मात्रा का निर्धारण उत्पादन की मात्रा, उत्पादन चक्र की लंबाई और निर्मित माल के विक्रय से पूर्व उसके गोदाम में रहने की अवधि आदि तत्वों से होता है। प्राप्य राशियों के लिए, फॉर रिसीवेबल, निर्मित माल का विक्रय नगद भी किया जा सकता है और उधार भी। उधार विक्रय प्राप्य राशियों जैसे कि देनदारों और प्राप्य पत्रों का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जब तक उनसे यह राशि प्राप्त नहीं हो जाती, यह राशि इन प्राप्य राशियों रिसीवेबल में विनियोजित रहती है। प्राप्य राशियों में विनियोजित राशि की मात्रा अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि उधार विक्रय की मात्रा, उधार अवधि, उधार वसूल करने की कुशलता आदि। उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म अपनी उधार अवधि को 30 दिन से परिवर्तित करके 60 दिन कर देती है तो देनदारों को विनियोजित राशि में वृद्धि हो जाएगी। परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की मात्रा में भी उतनी राशि में वृद्धि हो जाएगी। दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए, फॉर पेइंग डे टू डे
एक्सपेंसेस। फर्म को मजदूरी, वेतन एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के लिए पूरे वर्ष एक न्यूनतम राशि रोकड़ शेष के रूप में अपने पास रखनी आवश्यक होती है। पूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई नगद छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में रोकड़ शेष रखना जरूरी होता है। आकस्मिकताओं के लिए और कंटिंजेंसीज, भावी आकस्मिकताओं के लिए भी एक न्यूनतम नगद राशि अपने पास रखनी होती है, जिससे कि व्यवसाय संकटकालीन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। इस प्रकार स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को अलग अलग निर्धारित करके और फिर उन्हें जोड़कर व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है।